हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है आस मोहम्मद और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एस टैक फ्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 के 20 प्लस हिडन फीचर्स के बारे में। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर लेते हैं मोबाइल के डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले पर जैसे ही पिंच इन करके रखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ से आप सिंपली अपने फ़ोन के वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली दो वॉलपेपर मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके गैलरी में कोई फ़ोटोज़ है या आपका फ़ोटो है कुछ या जो भी जैसा ही फ़ोटो है आपके फ़ोन में, कोई बिल्डिंग का या कार का, तो वो यहाँ से आप अपने सिंपली लगा सकते हैं। किसी भी वॉलपेपर को यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे ही वॉलपेपर प्रेस करते हैं यहाँ पर सेट एज होम स्क्रीन पर कर देना है। तो यहाँ से जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो ये आपका वॉलपेपर सेट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपको जाना है डिस्प्ले पर और यहाँ पर आपको मिल जाता है थीम का ऑप्शन। जैसे थीम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पर अभी मेरे फ़ोन में नेट नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको नो नेटवर्क कनेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको बहुत सारे थीम्स मिल जाएंगे जो कि आप सिंपली अपने फ़ोन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है विजेट्स, जो कि आपके इस होम स्क्रीन पर रहते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है कैलेंडर का है, क्लॉक है, कॉन्टेक्स्ट है, ये बहुत सारे विजेट्स मिल जाते हैं जो कि आप अपनी होम स्क्रीन पर लगाकर रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम आप इसके लगाकर रखते हैं कॉन्टैक्ट को, तो जैसे इसे ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपका ये सैमसंग का हेल्पलाइन नंबर है। तो ये अगर जितने भी नंबर हैं आप उन नंबर को अपने नंबर को होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट यहाँ पर हम आपको मेन फीचर्स बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको होम स्क्रीन ग्रिड पर जाना। होम स्क्रीन ग्रिड पर जो आपको 4x6 एप्लीकेशन दिखाई देते हैं, वो यहाँ से आपको 4x6 एंड 5x5 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपको 5x6 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अपने फ़ोन की रो को चेंज कर सकते हैं, ग्रिड को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ से आपको और नीचे की ओर जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है हाइड एप्लीकेशन। जैसे कि अगर आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं, गेम को हाइड करना चाहते हैं होम स्क्रीन से, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन। जैसे कि मुझे अभी यहाँ पर क्रोम को हाइड करना है, तो मैं क्रोम पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ से आपको फेसबुक को हाइड करना है, तो मैंने फेसबुक पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट यहाँ से आपको डन कर देना है। तो यहाँ से आपको बैक जाना है, तो यहाँ पर आपको क्रोम और आपका फेसबुक कहीं भी दिखाई नहीं देने वाला, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाइड एप्लीकेशन को निकालना है तो वहीं से आपको जाना है, दोबारा से होम स्क्रीन पर यहाँ पर जाना है और हाइड ऐप पर जाना है। हाइड ऐप पर जाने के बाद यहाँ से आपको इन्हें अनहाइड करना है, तब यूज करना है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन को किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जाने के लिए यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार में जाना है, नेक्स्ट एक बार और स्क्रॉल कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बट यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अभी तक के और फ़ोनों में नहीं था। नेक्स्ट यहाँ से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पर अलाउ सैमसंग कैप्चर टेक पिक्चर रिकॉर्ड वीडियो, तो यहाँ से आपको अलाउ कर देनी है। और जैसे ही अलाउ करते हैं तो आपको यहाँ पर ओनली दिस टाइम, अगर अभी के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप ऑल टाइम करना चाहते हैं तो विल यूजिंग द ऐप कर देना है। तो यहाँ से अभी हम कर देते हैं वन टाइम। तो यहाँ पर जैसे ओनली वन टाइम करेंगे, एक बार और अलाउ मांगता है, आप वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, नेक्स्ट यहाँ से आपको अलाउ कर देनी है। जैसे आप अलाउ करते हैं तो यहाँ पर आपको मीडिया साउंड मिल जाता है, नो साउंड मिल जाता है, मीडिया साउंड एंड माइक। अगर आप अपनी वॉइस की रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और मीडिया की दोनों रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मीडिया साउंड एंड माइक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 सेकंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट यहाँ से आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही आप यहाँ पर प्रेस करते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रेस हो जाती है। और नेक्स्ट यहाँ से आपको सेव कर देनी है। सेव स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो हो गई है, अब आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। यहाँ पर आपको वीडियो प्लेयर में जाना है और ऑलवेज कर देना है। नेक्स्ट यहाँ से ये हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपको जाना है नेक्स्ट, तो नोटिफिकेशन बार में जाना है, एक बार स्क्रॉल कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको हॉटस्पॉट मिल जाता है ब्लूटूथ, जो कि सिंपली आपको देख लेना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है डार्क थीम, जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ। ये आपको नाइट के समय काफ़ी बेहतर रहता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है आई कम्फर्ट
तो ये आपको नाइट के समय काम करता है, जो कि आप अगर फ़ोन को ज़्यादा यूज करते हैं या फिर आप पढ़ाई करते हैं तो इसे आप ज़रूर से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाता है सैमसंग अकाउंट। तो यहाँ पर सैमसंग अकाउंट पर प्रेस करते हैं तो आपको आपका नेट मांगता है। यहाँ पर जैसे ही आप अपने फ़ोन में इंटरनेट चलाएंगे तो यहाँ से आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बना लेना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है कनेक्शन, तो वाईफाई, ब्लूटूथ और फ्लाइट मोड, यहाँ पर आपको बहुत सारे कनेक्शन मिल जाते हैं, सिम कार्ड है और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बट हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से आपको सैमसंग एंड वाइब्रेशन मिल जाता है, तो यहाँ से आप अपने साउंड एंड वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं, किसी भी कॉल की रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन साउंड है जो भी है। तो हम अभी सबसे पहले आपको बताते हैं साउंड। तो यहाँ पर आपको जाना है रिंगटोन पर, रिंगटोन साउंड चेंज कर देनी। जैसे अगर रिंगटोन आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी रिंगटोन्स मिल जाती हैं, तो यहाँ से आप अपने फ़ोन की रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज करनी है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन रिंगटोन को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको वाइब्रेशन मिल जाता है, म्यूट मिल जाता है, तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है कॉल वाइब्रेशन पैटर्न। जैसे कॉल वाइब्रेशन जो होता है उसे अगर बेसिक करना चाहते हैं या फिर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि यहाँ से आप कॉल वाइब्रेशन की रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब अगर आप करके रखते हैं तो आपके फ़ोन में ना ही कॉल बजेगी और ना ही वाइब्रेट होगा, केवल म्यूट रहता है आपका फ़ोन। तो यहाँ से आप ये सिंपली कर सकते हैं। नेक्स्ट जाना थोड़ा सा स्क्रॉल और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। नोटिफिकेशन में जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्रीफ और डेटेड। जैसे अगर आप ब्रीफ करते हैं तो आपके सामने नोटिफिकेशन पॉपअप होकर आती है और डिटेल्स कर देते हैं तो पूरे डिटेल में आ जाती है। तो इस तरीके से आप इसे भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन साउंड, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है फ्लैश नोटिफिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आए और उसकी साउंड आपके फ़ोन में बजे, तो वो सॉरी साउंड नहीं, फ्लैश लाइट अगर आपके फ़ोन में जले तो वो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रॉल जाना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको डिस्प्ले का मिल जाता है ऑप्शन, जो कि आप यहाँ पर लाइट एंड डार्क पर चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है फॉन्ट साइज एंड स्टाइल। फॉन्ट साइज को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो फॉन्ट स्टाइल आपका ये है तो वो यहाँ से आप इसे बड़ा कर सकते हैं और भी ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, बट हम यहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट रखते हैं। डिफ़ॉल्ट में काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन जूम है, फुल स्क्रीन ऐप है और यहाँ पर आपको स्क्रीन टाइम आउट। तो स्क्रीन टाइम आउट को अगर आप चाहते हैं इसे कम करना या बढ़ाना, तो वो यहाँ से आप इसे कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपका 30 सेकंड है, अगर आप पढ़ाई करते हैं फ़ोन में या ज़्यादा देर तक यूज करते हैं, तो यहाँ से आप 10 मिनट भी कर सकते हैं एंड 5 मिनट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है नेविगेशन बार। तो नेविगेशन बार में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीन बटन नीचे की ओर, तो ये नेविगेशन बटन होते हैं। इन्हें अगर आप हटाना चाहते हैं, स्वाइप गेस्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप स्वाइप गेस्टर पर क्लिक कर देना है और डायरेक्टली आपके नेविगेशन बटन हाइड हो चुके हैं। तो इधर से स्वाइप करते हैं तब बैक जाते हैं, इधर से स्वाइप करते हैं तब भी बैक, और यहाँ से आप ऊपर की ओर स्वाइप करते हैं तो डायरेक्टली होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। और यहाँ पर स्वाइप करके प्रेस करके यहाँ तक लाते हैं तो आप रिसेंट टास्क में पहुंच जाते हैं। इस तरीके से आप अपने फ़ोन के नेविगेशन बटन को हटाकर यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इन्हें दोबारा से लाना चाहें तो यहाँ से आपको दोबारा से अपने डिस्प्ले पर जाना है। नेक्स्ट यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नेविगेशन बार में जाना है और यहाँ से डायरेक्टली बटन्स पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप अपने फ़ोन को बटन चेंज कर सकते हैं। अगर इनकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर लेफ़्ट बटन को राइट में करना चाहते हैं, राइट को लेफ़्ट में, तो यहाँ से आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। स्वाइप गेस्टर में भी आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं मोर ऑप्शंस पे। बट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर जैसे अगर आप चाहते हैं बिल्कुल आपकी फ़ोन की डिस्प्ले एक भी सेकंड के लिए बंद ना हो, तो वो यहाँ से आप इसे सो ऑलवेज कर देना है। अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं, जैसे कि आप एक घंटे के लिए या दो घंटे के लिए, तो वो यहाँ से आप सो एज शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले को ऑन करने के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज मिल जाती है। जैसे लैंग्वेज पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको अगर पहली एक लैंग्वेज मिलती है इंग्लिश की। अगर आप यहाँ से हिंदी या फिर अपनी नेपाली, मराठी, जो भी लैंग्वेज को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक लैंग्वेज और ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं सिंपली। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना, जो कि मैंने वॉलपेपर के बारे में आपको पहले बता रखा है और होम स्क्रीन और ये बाकी
सब मैंने बताई दिया है। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी। बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पर जाना है नेक्स्ट, सबसे पहले आपको मिल जाता है फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक। तो जैसे अगर आप यहाँ पर प्रेस करते हैं तो यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है और आपका फेस लॉक यहाँ पर लग जाता है। फेस लॉक की आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट लॉक जाना है तो फिंगरप्रिंट लॉक लगा ले सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर देना है और नेक्स्ट यहाँ से आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेना है। तो इसलिए यहाँ पर और नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है अकाउंट एंड बैकअप, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। तो यहाँ से आप नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एसेसिबिलिटी। तो एसेसिबिलिटी पे जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। तो यहाँ से आपको टॉक बॉक मिल जाता है, जो कि शायद आप जानते हैं टॉक बॉक में क्या होता है, जो भी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ होता है वो सारा कुछ बोल के बताता है ये। तो इस तरीके से यहाँ से ये आपका सारा कुछ जो हिडन फीचर्स मैंने बताएं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।